अक्षरा सिंह की माँ ने कहा दिल छू जाने वाली बात। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो समझ पाएंगे कि अक्षरा की माँ ने ऐसा क्या कहा। तो वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। पलक झपकते भोजपुरी के सारा खबर पहुँच जाए रउआ तक राउर अपन चैनल भोजपुरी स्टार ट्यूब। अगर देखो तानी तो सोची मौत, जाके कर दी सब्सक्राइब, घंटा के आइकन के दू हाली जरूर दबा दे, सब खबर फ्री में पहुंची रउआ तक। अक्षरा सिंह की मां का एक पोस्ट आया जिसमें अक्षरा सिंह के बर्थडे स्पेशल पोस्ट था। आपको बता दें कि उसमें अक्षरा सिंह की मां ने पोस्ट किया नीलिमा सिंह ने कि जब ठोकर लग के भी आदमी उठ खड़ा हो जाए तो समझ लेना कि आपके साथ बंदा है। ऐसा कहने का उनका सीधा सीधा मतलब पवन सिंह जी का ही था, क्योंकि पवन सिंह जी के छोड़ जाने के बाद अक्षरा सिंह पहली बार खुद अकेले कुछ करने को खड़ी हुई। इससे पहले अक्षरा सिंह जो भी कुछ करती थी उसके सबसे बड़े साथी थे पवन सिंह। ऐसा नहीं है कि पवन सिंह के अलावा अक्षरा सिंह कुछ नहीं थी, लेकिन अक्षरा सिंह को जितना भी साथ मिला और जितना वह कुछ कर पाई वह जो भी था वह था पवन सिंह के कारण। लेकिन अब अक्षरा सिंह के बड़े बड़े जितने भी रिकॉर्ड बने हैं वह खुद के रिकॉर्ड बन रहे हैं। इसी पर नीलिमा सिंह ने यह बात कही है। नीलिमा सिंह की बात दिल को छू जाती है। नीलिमा सिंह पवन सिंह को भी अपने बेटे की तरह ही प्यार करती थी। हमने हमेशा देखा है कि नीलिमा सिंह और पवन सिंह की केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी थी। आप सभी को भी पता है कि पवन सिंह भी इन्हें अपने माता की तरह ही जानते थे। लेकिन इन सब के बावजूद अगर किसी का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है तो वह है अब पवन सिंह और अक्षरा सिंह की दोस्ती। और अक्षरा दोनों ही इस बात से वाकिफ है कि हमारे साथ इंडस्ट्री में क्या क्या हुआ। आपको बता दें कि अक्षरा सिंह और उनकी मां की जोड़ी भोजपुरी इंडस्ट्री की सबसे फेमस जोड़ी है और लोग इनकी जोड़ी को काफ़ी पसंद भी करते हैं। अब यह देखना काफ़ी दिलचस्प रहेगा कि इसके बाद अक्षरा सिंह और उनकी मां के क्या क्या धमाके होते हैं। हम तो ऐसे ही कहेंगे, आप ऐसे ही प्यार देते रहें। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब।